नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर यदि आपको स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो किसी वैक्टर को मान लीजिए आपके पास कोई वैक्टर ए है उसको आपको स्केलर क्वांटिटी एम से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल हो जाएगा तो यानी मैग्नीट्यूड में आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा मान लीजिए जैसे क्वांटिटी आपके पास एम इजल टू टू ले लिया हमने ठीक है आपके पास फोर्स इज इक्वल टू सिक्स न्यूटन है टू ईस्ट तो क्या आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लीकेशन करनी है हमने इसकी m इन टू तो ये आ जाएगा आपके पास 12 न्यूटन टू वर्ड्स डायरेक्शन सेम रहेगी इस यदि नेगेटिव वेक्टर है हमारे पास मान लीजिए नेगेटिव है आपके पास तो डायरेक्शन इसमें रिवर्स हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इसमें यदि हम दो वेक्टर्स को ही मल्टीप्लाई करें आपस में तो क्या होता है तो दो तरह की मल्टीप्लीकेशन है हमारे पास एक तो है स्केलर प्रोडक्ट इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं हम इसमें जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो स्केलर क्वांटिटी आएगी जैसे दो वेक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दोनों ही हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है ए तो डॉट बी जो इनका रिजल्ट आएगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नेट्यूड ऑफ बी एंड को साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम कोस ऑफ थीटा यानी वेक्टर ए है मान लीजिए एक आपके पास दूसरा वेक्टर आपके पास बी है थीटा एंगल है दोनों के बीच में ठीक है तो हम इस तरीके से लिखेंगे ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नेट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नेट्यूड ऑफ बी इन टू को साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम इससे जो आपके पास क्वांटिटी आई वो कैसी आई आपके पास स्केलर क्वांटिटी आपके पास दोनों वेक्टर थे बट जो क्वांटिटी आएगी जो फिजिकल क्वांटिटी आपके पास मल्टीप्लीकेशन के बाद आएगी वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी आएगी जैसे हमारे पास वर्क एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो फोर्स और डिसप्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट से मिलती है हमें वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास एग्जाम्पल है ये इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट का ठीक है स्केलर प्रोडक्ट का इसी तरीके से हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं सिर्फ आपने फॉर्मूला है, ड्राइव करके नहीं दिखा रहा मैं और इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं तो इसमें क्या हमारे पास इस तरीके की मल्टीप्लीकेशन में ए क्रॉस बी जो आपको फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी मल्टीप्लीकेशन के बाद वो भी आपको वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नेट्यूड ऑफ बी यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू इनका जो रिजल्ट आएगा ए बी साइन ऑफ थीटा थीटा क्या आपके पास एंगल बिटवीन ए एंड बी जैसे वहां पे डॉट प्रोडक्ट में आया था यहाँ पे साइन थीटा आएगा आपके पास ए बी साइन थीटा अब जो मल्टीप्लीकेशन आई है हमारे पास या प्रोडक्ट आई है वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी तो इसमें डायरेक्शन भी रहेगी और तीसरी डायरेक्शन इज गिवन बाई द यूनिट वैक्टर एन गिवन बाई राइट हैंड कर्ल रूल कर्ल रूल क्या होता है हमारे पास कर्ल योर फिंगर